Assalamualaikum everyone, this is Arhungul from Arhungul Tutorials और आज की इस वीडियो में हम Realme C15 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे, इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशंस जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक 720p रेजोल्यूशन वाला एक डिस्प्ले देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और उसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की एजेस और नोच के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई एजेस नहीं देने को मिलेंगी, काफ़ी मतलब कि बेजलेस स्मार्टफोन आपको यहाँ पर देने को मिलेगा, बेजलेस नहीं मतलब कि काफ़ी लो बेजल्स यहाँ पर आपको देने को मिलेंगे। और चिन का साइज भी बहुत यहाँ पर एवरेज रखा गया है। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, फ्रंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। और अगर हम बात करें इसके रेयर साइज की तो रेयर साइज पर आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन है। और रेयर साइज की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको रेयर साइज पर भी इसमें देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम इसके कुछ इंटरनल्स की बात करें, इसके रैम एंड रोम, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और अब अगर यहाँ पर हम बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, यानी इसकी बैटरी कैपेसिटी की और इसके चिपसेट की, तो अगर हम इसके चिपसेट की बात करें सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का हीलियो G35 का चिपसेट, जो एक गेमिंग चिपसेट है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको निकाल कर दे देगा। और अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देने को मिलेगी, जो अभी तक रियलमी ने अपनी किसी भी स्मार्टफोन में नहीं निकाली जो इतनी प्राइस सेगमेंट में आता है। मतलब कि 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें देने को मिलेगी। और उसके यहाँ पर आपको 18W का क्विक चार्जर का सपोर्ट भी देने को मिल जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन रियलमी C5 की। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में आपको करीब 22 से 23 हज़ार रुपये की प्राइस सेगमेंट के बिटवीन देने को मिल सकते हैं, मतलब कि 20 से 23 हज़ार रुपये की प्राइसिंग में आपको देने को मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो गाइस, दिस इज अरुण साइनिंग ऑफ एंड #FastTech।